नमस्कार, मम्मी यम्मी किचन फूड में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं बनाने जा रही हूँ मूंग के निमोना। तो ये देखिए, मूंग में भिगो के रखी थी, अच्छी तरह से फूल गया है। और इसे मैं चार पानी से धो ली हूँ, अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। अब इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी। तो जार में मैं रख रही हूँ इसे। और इसके लिए मसाला, हरी मिर्च, अदरक, जीरा, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और लहसुन प्याज नहीं मैं डाल रही हूँ। नवरात्रे चल रही है, मेरा तो नवरात्रे है नहीं। इस बार मेरी जेठानी एक्सपायर हो गई थी, इसके वजह से हमारी तो इस बार है नहीं नवरात्रे। लेकिन फिर भी लहसुन प्याज के परहेज चल रहा है, तो मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। और चलिए मैं बना के दिखाती हूँ। तेल गरम हो गई है, तेजपत्ता, जावित्री, पत्थर का फूल, लाल मिर्च, हींग, जीरा, काली मिर्च, लौंग, और ये मूंग को मैं पीस ली हूँ। ये जो मसाला रखी थी ग्रीन चिली वगैरह, उसे पीस ली हूँ। और थोड़ा सा साबुत मूंग रखी हूँ और टोमेटो पीस के इधर फ्राई कर रही हूँ। इसे मिक्सी में अच्छी तरह से चार टोमेटो पीस ली हूँ और इसे मैं अलग से फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो इसके अंदर मूंग, थोड़ी सी साबुत मैंने रख ली थी, मसाले, हरी मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, अदरक पीस ली हूँ मैं अच्छी तरह से। और ये हल्दी डालने से पीला हो गया है, तो हरी मिर्च दिख ही नहीं रहा कहाँ है। अच्छी तरह से भूनना है। मसाला भून गया अच्छी तरह से और ये मूंग में पीस ली थी, थोड़ा पतला सा पीसी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है। तो ये देखिए, टोमेटो भून गया अच्छी तरह से। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसे मैं निमोना में डालती हूँ, ये मूंग के निमोना। देखिए ये भी भून गया अच्छी तरह से। अब इसके अंदर मैं टोमेटो डाल देती हूँ। मैं इसलिए अलग से टोमेटो भूनी हूँ कि इसके साथ दोनों अच्छी तरह से भून नहीं पाता, फिर हरा हरा बन के ना मुँह में आता है स्मेल। इसी वजह से मैं टमाटर को अलग भून ली, नहीं तो कच्चा बनाता। आप साथ में भी भून सकते हैं, थोड़ी सी कच्चा पन के वजह से अलग भून लीजिए। देखिए मूंग के निमोना कितना ही सुंदर है और पौष्टिक भी है, खाने में बहुत ही अच्छा है। अब इसके अंदर मैं पानी डालती हूँ। तो ये देखिए, ये पीस के दाल रखी थी उसी बर्तन में पानी है। आप इसको जितना पतला जितना गाढ़ा बनाना चाहते हैं उतना बनाइए। और इसे अच्छी तरह से पका लूँगी। अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गुठलियाँ ना रह जाए इसके अंदर। मैं
मूंग के निमोना बहुत ही टेस्टी बनता है, बना के ज़रूर खाइए। जिस तरह से मटर के निमोना होता है उसी तरह से मूंग के भी होता है। अच्छी तरह से भिगो लीजिए, मूंग भिगोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 4-5 घंटे में मूंग अच्छी तरह से भीग जाती है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लीजिए। सिलबट्टा पीसना चाहते हैं सिलबट्टा में, दरदरा भी पीस सकते हैं और बारीक भी पीस सकते हैं, दोनों तरीक़े से पीस सकते हैं। अगर इसमें आलू आप डालना चाहते हैं तो आलू डाल सकते हैं, 2 आलू बॉयल करके उसे भी फ्राई करके इसके बीच में डाल दीजिए। मैं आलू नहीं डाली हूँ, शुगर पेशेंट की वजह से आलू खाना मना है, इसलिए मैं इसके अंदर आलू नहीं डाली हूँ। आप इसमें आलू डाल सकते हैं। अगर इतना सारा हम खाना बनाते हैं तो घर में खाने के लिए ही तो बनाते हैं, तो सब मिल करके खाते हैं, तो उसमें कोई शुगर वाले हैं और बाकी लोग ऐसे हैं तो सबके लिए बनाते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि ताकि आलू न डालें। अगर हमें आलू बना के खाना होता है तो अलग से बना लेते हैं, लेकिन मैं निमोना बना रही हूँ, इसमें आलू डालना चाहिए लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार, ये सेंधा नमक है, सादा नंबर नमक भी डाल सकते हैं, थोड़ा काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ। और ये देखिए अच्छी तरह से पक गया है मूंग के निमोना, देखिए पक गया है। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी गरम मसाला और अच्छी तरह से मिला लेना है इसे। और तड़का के लिए मैं उधर पैन में तेल गरम कर रही हूँ, बस थोड़ा सा रोगन और थोड़ी सी लाल मिर्ची, इसे तड़का लगाऊंगी। तेल गरम हो गया है, गैस बंद करती हूँ और इसके अंदर लाल मिर्च, रोगन के तड़का, तो लीजिए मूंग के निमोना बनके तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो मम्मी यम्मी किचन फूड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जरूर 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 शेयर कीजिए। और धन्यवाद।